मैं जाय का उपहार। एक समय की बात है, इंग्लैंड के एक छोटे से शहर में दो प्रेमी रहते थे, जेम्स और डेला। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। जब कॉलेज के दिन खत्म हुए, जेम्स को अखबार के एक दफ्तर में टाइपिस्ट की नौकरी मिली और उसकी तनख्वाह हर माह 50 पाउंड थी। जेम्स बहुत खुश हुआ और उसने डेला को विवाह का प्रस्ताव देने का फैसला किया। डेला, मैं तब से तुमसे प्रेम करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, और मैं तुमसे हमेशा हमेशा के लिए प्रेम करते रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ। डेला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओ जेम्स, मैं भी तुम्हारे साथ बूढ़ी होना चाहती हूँ। हाँ, मैं तुमसे विवाह करूंगी। और इस तरह जेम्स और डेला का विवाह हो गया। एक छोटे से समारोह में जेम्स ने एक फर्निश्ड फ्लैट किराए पर लिया, प्रति सप्ताह 8 पाउंड के किराए पर, और दंपति खुश और संतुष्ट थे। मानो एक दूसरे के लिए उनका प्रेम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। हालात ठीक ठाक चल रहे थे जब तक कि मंदी नहीं आ गई और जेम्स की तनख्वाह 40 पाउंड पर सिमट गई। मेरी प्रिय, हम इस दौर से गुजर जाएंगे, तुम चिंता मत करो। बेशक मेरी जान, जब तक तुम मेरे साथ हो कोई भी चीज मुझे चिंतित नहीं कर सकती। तो पति पत्नी एक तंग हाली जिंदगी जी रहे थे, बस इतना ही पैसा कमा पाते कि गुजारा कर लेते। जल्दी ही क्रिसमस की शाम आ गई। लंदन की सड़कें बर्फ से ढक गईं और दुकानें रोशनियों से सजाई गई थी और घर क्रिसमस ट्री से। इस बीच डेला ने अपना बटुआ टटोला, ये देखने के लिए कि उसमें कितने पैसे बचे हैं। 1 पाउंड और 85, 86, 87 पेंस, बस इतना ही, और फिर क्रिसमस है। आह, मैं क्या करूंगी, कुछ समझ में नहीं आता। ये काफी नहीं है, इससे तो कुछ नहीं होगा। अब इस दंपति के पास दो चीजें थी जिस पर उन दोनों को बहुत ही गर्व था। एक थी जेम्स की सोने की घड़ी जो उसे उसके पिता से विरासत में मिली थी, जो उसके पिता को उसके दादा द्वारा मिली थी। दूसरा था डेला के बाल। डेला के बहुत सुंदर भूरे बाल उसके घुटनों से नीचे तक जाते थे और जैसे उसके लिए ये एक वस्त्र ही बन जाते थे। आह, तुम्हें करना पड़ेगा जो तुम्हें करना है। वो घबरा कर उठी और जल्दी ही उसकी आंखों से आंसू गिरे। डेला ने अपने चेहरे से आंसू पोंछे और अपनी पुरानी ब्राउन हैट उठाकर वो दरवाजे से बाहर निकली। सीढ़ियों से उतरती हुई सड़क पर आई। कुछ देर के बाद वो एक स्टोर के सामने रुकी। यही है। क्षमा करना, क्या आप मेरे बाल खरीदेंगे? तुम अपना हैट क्यों नहीं उतारती और मुझे उन्हें देखने दो। डेला ने अपनी हैट उतारी और नीचे लहरा कर गिरे उसके भूरे बाल। अपने तजुर्बेकार हाथों से उसने उन बालों को उठाया और उस महिला ने स्वीकृति में सिर हिलाया। 20 पाउंड मुझे मंजूर है। अगले कुछ घंटों में डेला लंदन की सड़कों पर बाहर घूम रही थी जेम्स के लिए एक परफेक्ट उपहार ढूंढने के लिए। अंत में उसे वो मिल गया। ये जरूर जेम्स के लिए बना है और किसी के लिए नहीं। ये प्लैटिनम फॉब चेन थी जिस पर डिजाइन बना था। इस पदार्थ को देखते ही इसकी कीमत जाहिर हो जाती, ना केवल बस फालतू सजावट जैसे सभी अच्छी चीजों में होती हैं,
ये सचमुच घड़ी के काबिल थी। बिना और कुछ सोचे उसने उसके लिए 21 पाउंड दे दिए और तेजी से घर गई बाकी के 87 पेंस के साथ। 7 बजे कॉफी बनाई गई थी और फ्राइंग पैन स्टोव पर गर्म रखा था और तैयारी थी चिप्स बनाने के लिए। डेला ने अपने बाल घुंघराले कर लिए थे जिससे वो बिल्कुल स्कूली लड़की की तरह दिख रही थी। कम से कम यही सोचा था उसने। यदि जेम्स मुझे मार नहीं डालेगा इससे पहले कि वो दोबारा मुझे देखे, वो कहेगा मैं एक कोरस गर्ल लगती हूँ, पर मैं क्या करूँ? ओह, पर 87 पेंस का अब मैं क्या कर सकती हूँ? अचानक उसने सीढ़ियों पर कदमों की आहट सुनी और एक क्षण के लिए उसका चेहरा सफेद हो गया। प्लीज गॉड, उसे ये सोचने दो कि मैं अभी भी सुंदर हूँ, प्लीज। दरवाजा खुला और जेम्स अंदर आया। वो दुबला और बहुत संजीदा लग रहा था। जब उसने डेला की ओर देखा तो वो स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें उसी पर टिकी रहीं और उसमें एक भाव था जिसे वो पढ़ न सकी और इसने उसे भयभीत कर दिया। वो तुरंत मेज से हटकर उसकी तरफ चली आई। जेम्स डार्लिंग, इस तरह मेरी तरफ न देखो, मैंने अपने बाल काट दिए हैं और बेच दिए हैं क्योंकि मैं क्रिसमस पर तुम्हें उपहार दिए बिना नहीं रह सकती थी। वो फिर से बढ़ जाएंगी, जानते हो ना, मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। पर जेम्स ने जवाब नहीं दिया। कहो मेरी क्रिसमस जेम्स और चलो खुश हो जाओ। तुम नहीं जानते कितना अच्छा, कितना सुंदर उपहार लाई हूँ। बहुत अच्छा उपहार है तुम्हारे लिए। तुमने अपने बाल काट लिए? हाँ, काट दिए और बेच दिए। क्या तुम मुझे पहले जितना ही प्रेम नहीं करती? मैं हूँ बिना अपने बालों के, है ना? जेम्स ने उसकी ओर मुंह लटका कर देखा। मुझे गलत मत समझना डेल, मेरे ख्याल से कोई भी हेयर कट, शैम्पू या कोई शेव नहीं है जो मुझे तुमसे कम प्रेम करने पर मजबूर करे। पर अगर तुम उस पैकेट को खोलोगी तो तुम देखोगी कि क्यों मैं तुम्हें देखकर स्तब्ध हो गया था। डेला ने उसका रैपर फाड़ा और जब उसने डब्बा खोला तो वो खुशी से चिल्लाई। पर उसकी खुशी कुछ देर तक ही टिकी क्योंकि वो उपहार कंघियों का एक सेट था, साइड की और पीछे की, जिसे डेला ने बहुत अरसा पहले ब्रॉडवे की एक दुकान की खिड़की में देखकर खरीदना चाहा था। खूबसूरत कंघियां, रत्न जड़ित कंघियां। वो बहुत ही महंगी थी और उसका दिल उसके लिए तरसता रह गया और उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि वो उसे कभी भी हासिल कर पाएगी। अब जब वे उसकी हो गई थी, पर वो जुल्फे जिन्हें शानदार जेवर पहनने चाहिए थे वो चली गई थी। उसने उसे कसकर सीने से लगा लिया और आंसू भरी आंखों से ऊपर देखा और मुस्कुराई। मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं जेम्स। और फिर एक प्यारी बिल्ली की तरह उसके कंधे पर अपना सर रख के वो उससे लिपट गई। ओह ओह जेम्स, तुमने अभी तक अपना खूबसूरत गिफ्ट नहीं देखा। उसने उत्सुकता से अपनी खुली हथेली पर उसे उसकी तरफ बढ़ाया। क्या ये सुंदर नहीं है जेम्स? मैं पूरे शहर में भटकी हुई इसे पाने के लिए। अब तुम्हें दिन में 100 बार समय देखना होगा। मुझे अपनी घड़ी तो देखे, उस पर ये कैसी लगेगी? बजाय आज्ञा मानने के जेम्स काउच पर लुढ़क गया और उसने अपने हाथ अपने सिर के पीछे रखे और मुस्कुराया। डेल, चलो अपने क्रिसमस के उपहार दूर रखते हैं क्योंकि वो इतने अच्छे हैं कि इस समय उनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुम्हारी कंघियां खरीदने के लिए घड़ी बेच दी है। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया जबकि जेम्स दोबारा नहीं बोला। और अब मेरे ख्याल से तुम्हें चॉप्स बनाने चाहिए। डेला उसकी तरफ भागी और उसे भाग कर गले लगा लिया। जेम्स ने भी उसे गले लगा लिया। ओ, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ जेम्स। मैं तुमसे ज्यादा प्रेम करता हूँ। मैं जाय, जैसा कि आप जानते हैं, वो विद्वान थे जो बालक यीशु के लिए उपहार लाए थे। उन्होंने क्रिसमस के उपहार देने की कला की खोज की। विद्वान होते हुए उनके उपहार बेशक बुद्धिमानी के थे, पर ये असाधारण घटना घटी 2 प्रेमियों के बीच लंदन के एक अपार्टमेंट में, जिन्होंने बुद्धिहीनता से
एक दूसरे के लिए कुर्बान कर दिए अपने घर के सबसे बढ़िया खजाने। इसीलिए वो सबसे बुद्धिमान निकले। वो मैजाई हैं।